ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो गैसेस हैं जो कि सनलाइट को पास होने देती हैं, लेकिन जो सनलाइट के साथ अर्थ पर हीट आती है उसको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने को प्रिवेंट करती हैं। तो ये जो गैसेस हैं एक्चुअली क्या है कि ये हीट को ट्रैप करती हैं, तो ये अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं जो कि अर्थ की हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं। जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं वे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, तो इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। एक जो ग्रीन हाउस होता है ये ग्लास विंडोज का बना होता है, तो ये जो सनलाइट है उसको तो अंदर आने देता है, लेकिन सनलाइट के साथ जो हीट या वार्म्थ सनलाइट की आती है उसको ग्रीन हाउस से बाहर जाने को प्रिवेंट करता है। और ये जो चीज़ है ये ग्रीन हाउस को वार्म रखती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं और इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस सनलाइट को पास तो होने देती हैं, लेकिन जो सनलाइट अपने साथ वार्म्थ या हीट लेकर आती हैं उनको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने को प्रिवेंट करती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये अर्थ के लिए नेसेसरी हैं, यहाँ पर लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो हमारा जो प्लेनेट है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमंस आर एडिंग टू मच ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर, और जिसकी वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, और इस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।